कृपा है, आपकी भक्ति उत्तम भूमिका में पधार रही है। यदि ये सद्गुण नहीं है, इसके विपरीत चेष्टाएं हो रही हैं, तो आप सावधान हो जाइए, उन विपरीत चेष्टाओं को मत कीजिए और आदर्श महापुरुषों के इन सद्गुणों को हृदय में धारण कीजिए। सबसे पहला है अभयम। जो शरणागति है, शरणागति का सबसे पहला लक्षण है निर्भय, फिर निश्चिंत, फिर निशोक। ये निर्भय पहला लक्षण है। जहां कहीं भक्त को भय प्रकट होता है, कहीं भय की स्थिति हुई, तो तत्काल उसके हृदय में बल प्रकट होता है। मेरे प्रभु है ना, मेरे प्रभु सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, तत्काल वो निर्भय होता है। अगर स्वभाववश कोई भय आता है तो उसे प्रभु का चिंतन होता है। एक बार गंगा के किनारे भ्रमण कर रहे थे, तो अंधकार में ये मन बड़ा कल्पनात्मक भय प्रकट करता है। रात्रि का समय था, सियार और उल्लू की आवाज आती है वहां गंगा किनारे, या तो उल्लू की आवाज आती है या तो सियार की आवाज आती है, और वो बड़ी भयावह होती है। कुछ ऐसा लगा कि भयावह है कुछ सामने, एक भय सा व्याप्त हुआ। अब उसी भय में थोड़ी दूर पर एक प्रकाश लिए ऐसा लगा कोई लालटेन लिए हुए है। मन में निर्भयता आई, तुरंत पश्चाताप हुआ, अरे धिक्कार है तुझे, इतनी दूर है वो कौन है मुझे पता नहीं, लेकिन लगा कोई है लालटेन लिए हुए, तो तुझे निर्भयता नहीं लगी, और सर्व प्रकाश पुंज मेरे प्रभु मेरे समीप है, तुझे उसकी याद नहीं आई। ये जो मन है, ये सदैव भगवत विमुख होने की चेष्टा करता रहता है। हमारे पास कोई भी भयावह परिस्थिति आती है और कोई हमें दूर दिखाई देता है जिससे बिल्कुल परिचय नहीं, वो बिल्कुल सहायता नहीं करेगा, तो भी लगता है वो है, और बिल्कुल हमारे समीप हमारे गोविंद है, हमारे कृष्ण है, हमारे प्रीतम है, और हमें उनकी याद नहीं आती कि वो है ना, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वत्र जो विराजमान है ना। भक्त वही है जो शरणागत वही है जो प्रतिपल प्रभु के सानिध्य का अनुभव करता है, मेरे प्रीतम है ना, अभयम, उसके हृदय में भय नहीं होता। भय कभी कभी स्वाभाविक जो भय होता है वो बड़े बड़े भक्तों में भी देखा जाता है, अचानक कोई आवाज हुई और भयभीत हो, ये विचार भय नहीं है, ये स्वाभाविक ये होगा, वो विचार भय से युक्त नहीं रहता। भक्त कभी विचार भय, वो अंदर से विचार करके भयभीत नहीं होता, किसी भी भय परिस्थिति में वो प्रभु के चरणों का आश्रय ले, स्वाभाविक भय हो जाएगा, अचानक कोई आवाज आती है, अचानक कोई भयावह ऐसी आवाज आई, या ऐसी कोई कुछ गिरा या कुछ ऐसा कोई चीख पड़ा, तो एकदम वो ऐसा, तो ये ना समझे कि क्या भक्ति है, भयभीत हो गया। वो अचानक घटना घटती है और वो ऐसा हो जाता है, पर विचार भय उसके हृदय में नहीं होता है। अनिष्ट की आशंका से जो हृदय में घबराहट पैदा होती है, उसका नाम भय है, और उस भय का सर्वथा भक्त के हृदय में अभाव होता है। अगर भय लग रहा है तो आप प्रभु के चरणों का आश्रय सुदृढ़ भावना से नहीं लिए हैं, कहीं कोई भय नहीं है, मन केवल कल्पना करता है भय की, कहीं भय नहीं। बड़े अंधकार में ऐसे सब भ्रमण करके देखा है, जहां कहीं भय लगा है वो मेरे मन की कल्पना होती है। सब आत्म स्वरूप में श्री कृष्ण है, किससे भय करे, ये जब बोध हो जाता है तब अभय पद को प्राप्त हो जाता है। यदि हमारे अंदर ऐसी धारणा नहीं तो हम भावना बनाएं, जहां मुझे भय लगता हो, जहां कभी ऐसा लगा कि यहां श्मशान है, यहां भूत है, यहां ऐसा हो सकता है, हम वहीं बैठे स्वभाव जिद्दी रहा है, देखते हैं कहां कौन भय, और नाम स्मरण, कहीं कोई भय नहीं रहा, कहीं कोई भय नहीं, और भयभीत हो जाओ तो अपने आप से भय लगने लगेगा। श्वास का भय लगता है, ज्यादा श्वास चल गई तो लगा कुछ आवाज आई, कोई है पीछे है क्या, अपने पैर की खुटक में वो भयभीत होने, कोई है पीछे चल रहा है, और लगने लगेगा पीछे चल रहा है। ये बहुत मन भय प्रदान करने वाला है। भगवत आश्रित को निर्भयता की तरफ भावना बढ़ानी चाहिए, क्योंकि ऐसी कौन सी विपत्ति है उल्लंघन कर सके।
सर्व सामर्थ्यशाली प्रभु विराजमान है, जिनसे काल भी थर्राता है, भयभीत होकर काल वर्ताव करता है, जिनसे भयभीत होकर के सूर्य तपता है, जिनके भय से वायु चलती है, जिनके भय से पृथ्वी जल में नहीं डूबती, चराचर जगत का जो शासन करने वाला ईश्वर है वो मेरा प्रभु है, समस्त लोकपाल जिनके भय से वर्ताव कर रहे वो मेरे प्रभु हैं और मुझे बहुत प्यार करते हैं, हर समय मेरे समीप रहते हैं, भले मेरे दृष्टि में नहीं आ रहे लेकिन है, मेरे समीप है, नाम रूप से है, मंत्र रूप से है, आनंद रूप से है, आश्रय उनका लिए वो है मेरे पास। ये बल जब जागृत हो जाता है तब भक्त निर्भय हो जाता है। बाहर से आने वाला भय और भीतर से होने वाला भय, ये दो प्रकार के भय व्यक्ति को क्लेश देते रहते हैं, लेकिन भक्त दोनों भयों से मुक्त हो जाता है। बाहर का भय है कोई चोर, कोई डाकू, कोई हत्यारा, कोई व्याघ्र, कोई सांप या कोई भूत प्रेत, कोई भी बाहरी जो हमें आकर के कष्ट दे सकता है, हमारी हानि कर सकता है, उसको आशंका नहीं होती भक्त को। बाहर सांप, जैसे लोग कहते हैं सांप को देखा रे मरो मरो, एक काट खाएगा मर जाओगे, अगर उसे काटना है तो आप जाओ चाहे शीशे का एक मकान बनवा के अंदर बंद हो जाओ, जिस समय काटना है तो वहां खूंटी में टंगा हुआ वस्त्र या कुछ भी वो सांप बन के काट लेगा, काल बहुत बलवान है, और नहीं काटना तो सांप के बीच में सो जाओ नहीं काटेगा पक्का। जंगल में भी रह के देखा है, ऐसा देखा सेनपुर में, आज भी कोई चला जाए देखे बहुत पुराना जंगल, वहां बीछी सांप बिछखा पर ये सब घूमते रहते, कभी किसी को नहीं। अगर आपका विधान है तो एक से एक मंत्र वेत्ता लगाए थे श्री जन्मेजय जी परीक्षित जी के लिए, जिस समय अंतिम दिन था सातवां दिन, बड़े बड़े मंत्र वेत्ता और एक खंभा उसके ऊपर महल की रचना और आसपास सब मंत्र वेत्ता, मंत्रों से कील दिया गया था, लेकिन तक्षक सांप के वशीभूत होकर फल में एक छोटा कीड़ा बन के गया और जो ही उन्होंने ऐसे किया ते हुए सर्प बन के काट लिया। क्यों भय करना, एक बार मृत्यु होनी, जब होनी वो निश्चित है, जिससे होनी वो निश्चित है, क्यों भयभीत होते हो, भय क्यों धारण करते हो? क्योंकि प्रभु का भरोसा नहीं, इसलिए भय धारण करते हो। कोई भी सृष्टि में आपकी हानि नहीं कर सकता, अमंगल नहीं कर सकता, प्रभु विराजमान है ना, जो होना है पक्का होगा उसके लिए हम चिंतित क्या हो, जो नहीं होना पक्का नहीं होगा उसके लिए हम क्यों बेपरवाह रहे, हरि स्मरण में मगन रहे, हरि रक्षा करते हैं। करो सदा तिनके रखवारी, जीवी बालक राखे महतारी, मां जैसे बच्चा तो खेल में मगन है लेकिन मां की दृष्टि केवल बच्चे पर है, कहीं कोई अमंगलकारी आकर आक्रमण न कर दे, कहीं कोई अमंगल कृत्य करके अपने को दुख ना पहुंचा ले। बाहर से आने वाले दुख और स्वयं से होने वाले दुख दोनों की दृष्टि माता के प्रति रहती, माता देखती रहती कहीं ऐसा ये अमंगल खा न ले, छू न ले, ऐसा कर न ले, या कोई बाहर अमंगल आकर इसका कर न दे, ऐसे ही मंगल भवन हमारे आराध्य देव करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक रखे महतारी। कभी कभी स्वयं भय वरण किया जाता है, बीड़ी सिगरेट अफीम भांग शराब तंबाकू ये हम खाने लगते हैं कि हमें सुख मिलेगा, ये हम स्वयं भय पैदा कर रहे हैं। अब ये हमारे हृदय में आसक्ति पैदा करते हैं, हमारे हृदय को मलिन और हमारे शरीर में रोगों की बाहुल्यता प्रकट करने का अवसर देते हैं, और जब छोड़ने की बात आती तो हम भयभीत हो जाते कि इनके बिना हम जी नहीं सकते हैं, हम रह नहीं सकते, ये स्वयं आप व्यसन करके अपने को भयभीत कर रहे हैं, अपने अंतःकरण को मलिन कर रहे हैं, उस आसक्ति से बांध रहे हैं। आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं आपके शरीर को चैतन्यता प्रदान करता है, ये आपको आनंद प्रदान करता है, यही मूढ़ता है, आप भय का वरण कर रहे हैं। उपासक को कभी भी कोई भी व्यसन का आश्रय नहीं लेना चाहिए, कोई नशा नहीं करना चाहिए, ये कायरता प्रकट हो जाती है कि हम इस व्यसन के बिना रह नहीं सकते, इसके बिना जी नहीं सकते, भय उपस्थित हो गया। अपने वर्ण आश्रम आदि के अनुसार कर्तव्य पालन करते हुए प्रभु की आज्ञा के विरुद्ध काम ना हो जाए हमसे, ये भय हमारा मंगल करेगा। हमें जो
वर्ण आश्रम के अनुसार उपासना मिले, साधना मिले, या हमारी शरणागति के अनुसार जो उपासना मिली उसमें कोई त्रुटि न हो जाए, ये भय अवश्य होना चाहिए। ये भय अभय करने वाला है, इसमें बेपरवाही नहीं चलेगी। डरपत रहो, भक्तन के अपराध से डरपत रहो, डरते रहो कहीं इस त्रिगुण के सलिल में फिसल करके तुम्हारे द्वारा कोई ऐसा आचरण न बन जाए जो भगवत आज्ञा गुरु आज्ञा से विमुख कर दे। यही डर ही डरप हरिवंश हित जिनो भ्रमय गुण सलिल पर जिह नामन मंगल लोक तिहु सुहरि पद भज न विलंब करे। ये डर बनाए रखना चाहिए। बाहर से कोई चोर आएगा, हिंसक आएगा, कोई भूत प्रेत आएगा, कोई आदि आदि, ये डर बिल्कुल मत रखो। प्रभु है ना, पक्का समझ लो, कभी ऐसा नहीं हो सकता। मेरे प्रभु से पास होकर ही कोई तुम्हें छू सकता है, और वो पास करेंगे तो मंगल भवन है, अमंगल होने नहीं देंगे। और त्रिभुवन में कोई ऐसी सामर्थ्य नहीं है, कोई शक्तिवान नहीं है कि वो भक्त का अमंगल कर सके, प्रभु उसके सुरक्षा में रहते हैं। पता थोड़ी था अम्बरीश जी को कि सुदर्शन चक्र हमारी सुरक्षा में है। महान तपस्वी दुर्वासा ने कृत्या प्रकट की, तत्काल सुदर्शन जी प्रकट हो गए, कृत्या को नष्ट करके दुर्वासा को दौड़ाया, त्रिभुवन में दौड़ाया। विश्वास रखो, हर समय हम प्रभु की शक्तियों से सुरक्षित हैं, क्योंकि प्रभु का नाम, प्रभु का स्मरण चल रहा है, हम प्रभु के शरणागत हैं। इसलिए बाहर का भय तो कोई रखना नहीं, स्वयं से कोई भयभीत आचरण करे ना, ये व्यसन करना स्वयं भय को बुलावा देना है। आसक्ति में फंस करके अब उसे छोड़ने में आप घबरा रहे हैं कि बड़ा भय लग रहा है, मैं इसके बिना रह नहीं सकता, इसके बिना जी नहीं सकता, और वो कोई न कोई आपके शरीर की हानि करेंगे, वो आपको भय पहुंचाएंगे, अंतःकरण मलिन करेंगे, वो रागात्मक व्यसन की वृत्तियां आपको कमजोर कर देंगी। ये स्वयं से कोई ऐसा आचरण भय वाला करे ना। हम जो उपासना मार्ग में है, इस बात का भय रहना चाहिए कि कहीं हमारी उपासना में त्रुटि ना हो जाए। डर और ये समाज क्या कहेगी, इस बात का डर, हमारे द्वारा कोई ऐसा आचरण न बने जिससे समाज की श्रद्धा नष्ट हो, जिससे समाज के हम निंदा के पात्र बने, हमारी कोई ऐसी करनी ना हो जो शास्त्र के प्रतिकूल हो। अगर ऐसा उपासक डरता रहता है तो इस संसार समुद्र को पार कर जाता है, वो माया पर विजय प्राप्त कर लेता है। अभय होए जो तुम्हें डराई। जो गुरुदेव को डरता है, प्रभु को डरता है, वैष्णोजनों से ये डरता रहता है कि कहीं इनकी अवहेलना न हो जाए, कहीं इनका अपराध न बन जाए, वो अभय हो जाएगा, वो अभय पद में आरूढ़ हो जाएगा। इस भय को तो धारण करना चाहिए। और जो पाप करना है, अत्याचार की प्रवृत्तियां हैं, अन्याय है, निषिद्धाचरण है, इसमें भयभीत होना चाहिए, ये कार्य हमसे न हो। ये हमारे हृदय में रहना चाहिए कि ये कार्य हमसे न हो। कभी हमारा मन प्रेरित करे कि ये गलत आचरण, तो डर जाओ, नहीं नहीं ऐसा नहीं, गुरुदेव देख रहे हैं, प्रभु देख रहे हैं, शास्त्र विरुद्ध आचरण हो जाएगा, हमारा हृदय भजन से विमुख हो जाएगा, नहीं नहीं, तत्काल मन को शासित करो, उसको डर दिखाओ। अगर जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन दुख दोषों का इसको मनन कराओगे तो ठीक हो जाएगा। इस डर को धारण करोगे तो ये डर करके प्रभु के चरणों की तरफ भागेगा। अगर भयभीत होकर प्रभु के चरणों की तरफ भागेगा तो अभय हो जाएगा। जो सभी तावा शरणाई रखियो ताई प्राण की नाई, ये डरना चाहिए। निषिद्ध आचरण तभी तक होता है जब तक हमारे हृदय में ये डर नहीं होता। होना चाहिए डर, सबके अंदर होना चाहिए, कोई हमसे पापाचरण ना हो जाए, कोई हमसे ऐसी गलती ना हो जाए। सच्ची मानिए, ये डर आपको भजन कराएगा, ये डर आपको महात्मा बना देगा, ये डर आपको निडर कर देगा, निर्भय कर देगा। सांसारिक जड़ वस्तुओं की प्राप्ति की आकांक्षा और उनकी रक्षा का उद्देश्य जब तक रहेगा तब तक आप इस स्थिति के साधक नहीं हो पाएंगे। ये संसारिक भोग खूब एकत्रित हो, ये बने रहे, शरीर स्वस्थ रहे, हम खूब भोगों को भोगें, वो अभय पद को प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वो सावधान नहीं है,
वो जड़ वस्तु की प्रधानता रखने वाला प्रभु के चरणारविंद से विमुख, वो तो निरंतर भय को ही प्राप्त होता रहेगा। लेकिन जिसने लक्ष्य बना लिया है भगवत चरणारविंद की प्राप्ति, और ये डरता रहता है कि कहीं शास्त्र गुरु के विमुख आचरण ना हो जाए, कहीं भजन ना छूट जाए, वो इस संसार के समस्त भयों पर विजय प्राप्त करके निर्भय पद का अधिकारी हो जाता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब साधक का आचरण बिगड़ जाता है, बाहर से तो हम वैष्णव हैं, बाहर से तो हम भगवत मार्ग के पथिक हैं, वो अंदर से हमारे विरुद्ध आचरण हो रहे हैं, तो बिना किसी बाहरी भय के हम भयभीत रहते हैं। अंदर से देख लेना, आप डरते रहते हैं, आपके अंदर एक संकल्प, एक कल्पना आपको भयभीत करती रहती है, कहीं ऐसा हो गया तो, कहीं ऐसा हो गया तो, अचानक आपके हृदय में एक भय सवार रहता है। यह भय तभी होता है जब आपके द्वारा कोई बुरा आचरण होता है, धर्म विरुद्ध आचरण होता है, ऐसा होता है अनुभव करके, बिना कारण के आप भयभीत रहेंगे। ये जो संसार में ज्यादा डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं, इन्होंने मनमानी आचरण किया है, इसी के कारण उनका मन इस स्थिति में आ गया, हर समय भय प्रदान करता रहता है। जो भजन करने वाला है, शास्त्र के अनुकूल चलने वाला है, वो भयभीत नहीं होता, निर्भय। ये महान दैवी संपदा है, ये अभय प्रभु की तरफ से उसके हृदय में उदय हो जाता है, वो भय का त्याग कर देता है। अगर आप भयभीत है, शरीर में रोग आने पर, कोई ना कोई विपत्ति आने पर, निंदा होने पर, अपमान होने पर, अवहेलना होने पर, तो अभी आप प्रभु के सच्चे शरणागत नहीं हैं। सच्चे शरणागत को ये सारी प्रतिकूलताएं प्रभु के स्मरण में और गाढ़ भाव में तन्मय कर देती है। वो भयभीत नहीं होता, वो अपमान से भयभीत नहीं होता, निंदा से भयभीत नहीं होता, वो रोगों से भयभीत नहीं होता। अगर ये भय है तो शरीर आसक्ति में हो, कहीं ना कहीं आपके द्वारा विषय वासना के खेल हो रहे, आप प्रभु के पूर्ण आश्रित नहीं है। नहीं तो प्रभु के आश्रित होते ही निर्भय हृदय में जागृत हो जाती है वृत्ति, कहीं कोई भय नहीं। ये ध्यान देने का विषय है, आप अंदर से देखिए। अगर आप अंदर से प्रभु के अनुकूल चल रहे हैं, प्रतिकूलस्य वर्जनम, तो आप निर्भय होंगे। यदि आप प्रभु के प्रतिकूल चल रहे हैं, तो कोई जाने ना जाने आप अपने आप में भयभीत रहेंगे, दंड है ये, उस पाप प्रवृत्ति का, प्रतिकूल आचरण का दंड है। आप कल्पनात्मक भय से भयभीत रहेंगे, और कोई महान अपराध बन जाए तो आप अपने आप अपने शरीर को दंड देने लगेंगे, आप क्लेश से युक्त हो जाएंगे। यहां तक होता है कि अपने हाथ से जहर खाना होता है उसको, यदि भयंकर अपराध बन गया तो अपने हाथ से फांसी लगानी होती है। बड़ा विचित्र विधान है ये, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसीलिए हरि के चरणों के आश्रित होकर निरंतर सावधानी पूर्वक, ये डरना सावधानी है कि हमारे द्वारा कहीं वैष्णव अपराध न बन जाए, कहीं शास्त्र विरुद्ध आचरण न बन जाए। क्योंकि यदि आप ऐसा करके और ये सोच रहे हैं कि कोई जान नहीं रहा, तो वो कर्म ही आपको भयभीत करता रहेगा, वो कर्म ही आपके हृदय में जलन पैदा करेगा, अशांति पैदा करेगा, आपके हृदय में अज्ञान वृत्ति बढ़ेगी। क्या मिला, मिला क्या, अंदर क्लेश अशांति, और आगे चल करके उसका परिणाम दुर्गति। हरि आश्रित हो करके श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य वर्जनम, प्रभु के अनुकूल चलने का तात्पर्य है। गीता भागवत आदि में जो श्री भगवान अपने श्री मुख से उपदेश कर रहे, ऐसा चलो तो हमारे प्रेम रस को प्राप्त होगे, ऐसे चलो तो तुम्हें ब्रह्म बोध हो जाएगा, ऐसे चलो तो तुम योग को प्राप्त हो जाओगे, को हमें श्री जी के चरणों में समर्पित कर देना है। अब अहंकार हमारा इस तरह फलीभूत हो, हम श्री जी के, हम श्यामा जी के बल अभिमानी, हमारे माई श्यामा जी को राज, मेरे प्रिया प्रीतम, जैसे गोस्वामी जी कहते हैं, अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये अभिमान हर समय हमारे हृदय में बसा रहे कि मेरे प्रीतम श्री सियाराम हैं और मैं उनका दास हूँ। गोस्वामी तुलसीदास ऐसे अपने राधे श्याम हैं, श्यामा श्याम हैं, उनकी ठसक, तो अभिमान सार्थक हो गया। और जो हमारे उनका चिंतन, तो चित्त सार्थक हो गया। जो हमारे हैं उनके लिए संकल्प करना, क्या पवा दूं, कैसे इनको रिझा दूं, कैसे इनको दुलार करूं, ये मन सार्थक हो गया। और यही हमारे हो, यही हमारा परम लक्ष्य है, यही हमारे सुख है, ऐसा निश्चय होता है, बुद्धि सार्थक हो, चारु प्रभु में समर्पित हो गए, आप जीवन मुक्त हो गए, यही बंधन है। अंताकरण चतुष्टय, जो संसार में लगा हुआ है वही बंधन है, और जो प्रभु में लगा हुआ है वही मोक्ष का कारण।